scaring him. Come on, help me out. तो एक एक्सपेरिमेंट लोगों की लाइफ को किस हद तक इफेक्ट कर सकता है, क्या लोगों की लाइफ किसी एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही आपको मैं आज की इस कहानी में बताने जा रहा हूँ। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक इन्फेक्टेड आदमी से जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और जंगल में भाग रहा था। वो एक लेक के पास आ गया था और वो आदमी पुलिस से बचने के लिए पानी में जंप कर देता है, लेकिन पानी के अंदर गिरते ही वो पानी में घुल जाता है और उसका अब कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। सीन कट होता है और कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट मेसन ने कुछ लोगों पर ह्यूमन ग्रोथ प्रोग्राम नाम की एक एक्सपेरिमेंट को किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के चलते उसने कुछ लोगों पर कुछ पैरासाइट इंजेक्ट की थी। लोगों के DNA को पूरी तरीके से बदल कर उसने सुपर ह्यूमन बना हुए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के उल्टा असर होने की वजह से पूरा आइलैंड तबाह हो गया था और मेसन भी वहीं पर मर चुका था। अब 20 साल के बाद में मेसन की भतीजी जेमी अपने कुछ दोस्त जस्टिन, मार्को, क्रिस्टन, जीना, इन सभी को उसी आइलैंड पर घुमाने के लिए लाती है, लेकिन जेमी का मेन काम था उस आइलैंड पर मौजूद मेसन के घर को साफ करके बेचने का। सभी उस घर तक आ जाते हैं और जेमी उसी रूम में जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। अब सुबह क्रिस्टन अकेले ही जॉगिंग के लिए जाती है और जस्टिन को ये बात उसके जाने के बाद पता चलती है। जहाँ भी क्रिस्टन जॉगिंग के लिए जा रही थी वहाँ पर पेड़ पर कुछ निशान बनाती जाती है ताकि वो रास्ता नहीं भूल जाए, और वहीं पर वो देखती है कि वहाँ के कुछ लोग ब्लैक ड्रेस पहनकर कुछ रिचुअल कर रहे हैं। क्रिस्टन को ये बात पता भी नहीं थी कि काले कपड़े पहने एक अनजान आदमी उसी पर नजर रखे हुए हैं। अब इधर जीना डॉक्टर मेकाबर के साथ में हॉस्पिटल में पैरासाइट से इन्फेक्टेड एक डेड बॉडी को एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मेकाबर उसे पैरासाइट के बारे में सारी बातें बताता है। ये पैरासाइट लोगों को सुपर ह्यूमन बनाता है, पर उसी के साथ में ह्यूमन के खून से वो अपना पेट भी भरता है। वो जीना को एक और पैरासाइट दिखाता है, तभी वहाँ पर कोई आता है और मेकाबर रूम से बाहर चला जाता है। वहाँ पर टाउन का काउंसलर लार्किन मेकाबर को कहता है कि जेमी और उसके दोस्तों को वापस भेज दिया जाए क्योंकि यहाँ पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। तभी उनको जीना के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जीना उस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो चुकी थी, तो पुलिस ऑफिसर जैक उसे गोली मार देता है। अब इधर लार्किन जेमी से मिलकर घर का असली दाम उसको बताता है, लेकिन इसको बेचने से पहले आइलैंड पर रह रहे लोगों की परमिशन लेना होगी, लेकिन ये बात जेमी मार्को को नहीं बताना चाहती थी। अब इधर जस्टिन और क्रिस्टन लेक पर बैठ के बातें कर रहे थे और जस्टिन फिर पानी में स्विमिंग करने जाता है और वापस आकर वो क्रिस्टन से इंटीमेट होता है, लेकिन इस दौरान पानी से निकले एक पैरासाइट की वजह से जस्टिन इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होता है। इसे देखकर क्रिस्टन घर जाकर ये बात मार्को और जेमी को बताती है और वे लोग जस्टिन को घर लाकर बेड पर सुला देते हैं और जेमी और सारा आसपास मदद मांगने के लिए जाते हैं। वो एक घर में जाते हैं और उसके ऑनर से वो मदद मांगते हैं, लेकिन वो ऑनर कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि वो ऑनर खुद भी इन्फेक्टेड होकर मर चुका था। अब वे दोनों डॉक्टर मेकाबर के घर पर जाते हैं, पर घर के अंदर जाने से पहले ही उनको खबर मिलती है कि जस्टिन पहले की तरह ठीक हो चुका है, तो वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। इधर रात को जस्टिन अपने अंदर बहुत पावर महसूस कर रहा था और छोटी से छोटी आवाज़ भी उसे बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी, तो इसीलिए वो अपने कानों में रुई डालकर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो पासी के एक बार में चला जाता है। वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की के दिल की बात भी वो ठीक से सुन पा रहा था, तो पास जाकर वही बातें वो उस लड़की को बोलकर उसे इम्प्रेस करता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड ये देखकर जस्टिन से झगड़ा करता है, पर जस्टिन एक ही बार में उसे मारकर गिरा देता है और वो लड़की भी जस्टिन के साथ में चली जाती है। दोनों एक जगह पर आकर इंटीमेट हो रहे थे और इसी दौरान जस्टिन के कान की रुई निकल जाती है और एक पैरासाइट जस्टिन के कान से निकलता है, जिससे कि वो लड़की डर जाती है और जस्टिन उस लड़की का गला दबाकर उसे मार डालता है। अब अगली सुबह जेमी ब्रेकफास्ट लेकर जस्टिन के पास आती है कि तभी जस्टिन को उल्टियाँ होती है और वो देखकर हैरान था कि उसकी उल्टी में से बहुत सारे पैरासाइट्स निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे जस्टिन अपनी सुपर पावर को एक्सप्लोर कर रहा था और इधर क्रिस्टिन जब जंगल में एक्सरसाइज कर रही थी तब वही काला कपड़ा पहने एक आदमी उस पर अटैक करता है और किसी तरह क्रिस्टिन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो घर का रास्ता भूल चुकी थी और वो यहाँ वहाँ पर भागने लगती है।
जस्टिन को दूर से ही ये बात पता चल जाती है और मदद के लिए क्रिस्टन के पास भागता है। लेकिन तब तक उस काले कपड़े पहने आदमी ने क्रिस्टन को मार डाला था। अब इस तरफ घर पर डॉक्टर मैकाबर और लार्किन ये पूछने आते हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, और वे दोनों जेमी को उसी लड़की के लाश की फ़ोटो दिखाते हैं जिस लड़की को जस्टिन ने कल रात को मारा था। उनके घर से जस्टिन ही एक अकेला बीमार हुआ था, तो लार्किन जैक को जस्टिन को मारने का ऑर्डर देता है। इधर हम देख पाते हैं कि सारा भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और इस तरह जस्टिन अपनी पावर से सभी पुलिस वालों को मार गिराता है। मार्को जस्टिन की हेल्प करने के चक्कर में खुद भी मारा जाता है और जेमी को काला कपड़ा पहने एक आदमी पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। अब कुछ समय के बाद में लार्किन, जैक और मैकाबर वहां पर आकर सभी की लाश को देखते हैं और पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए लार्किन लाशों के ऊपर नमक को डालता है। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर मैकाबर पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जैक उनको मार डालता है। अब इधर जेमी को काले कपड़े पहने एक आदमी ने एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था और वो आदमी और कोई नहीं जेमी के अंकल मेसन थे और वो अभी तक जिंदा थे। जेमी के अंकल ने जेमी की माँ को भी मार डाला था क्योंकि वो मेसन के एक्सपेरिमेंट्स को रोकना चाहती थी और किसी तरह जेमी खुद को आज़ाद करके एंटीडोट लेकर लैब का डोर बंद करके बाहर निकल जाती है और वॉकी टॉकी से लार्किन को ये सारी बातें बताती है और वो उसे लोकेशन भी बता देती है। फिर कुछ ही टाइम में लार्किन वहाँ पर आता है और लार्किन मेसन से झगड़ा नहीं करना चाहता था, तभी अचानक से जेमी पीछे से आकर मेसन पर नमक और पानी को डालती है और मेसन इन्फेक्टेड था, इसी कारण वो नमक और पानी से वहीं पर मारा जाता है। लार्किन को लेकर जेमी वहाँ से निकलने लगती है लेकिन वो पैरासाइट्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब कार में लार्किन जेमी को बता देता है कि घर बेचकर पैसा मिलने की बात झूठी थी और ये सब जेमी को आइलैंड पर लाने का एक तरीका था क्योंकि जेमी के खून से एंटीडोट बनाया जा सकता था। अब रास्ते में उनको सारा की कार नजर आती है जहाँ पर सारा बेहोश पड़ी थी और उसका बच्चा भी कार में था, तभी सारा जेमी पर अटैक कर देती है। लार्किन फिर किसी तरह उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। लार्किन और जेमी बोट से भागने वाले थे पर जस्टिन का ध्यान भटकाने के लिए लार्किन उसके पास जाकर जस्टिन के फेस पर नमक डालता है। जस्टिन जख्मी तो हो जाता है लेकिन वो लार्किन के गले पर काटकर उसे मार डालता है। अब इधर बोट लेकर जेमी भाग रही थी और जस्टिन उस बोट के पीछे जाता है लेकिन वो बस जेमी की एक चाल थी। जस्टिन के दूर जाते ही जेमी सारा के बेबी को दूसरी बोट में बिठाकर वहाँ से भाग निकलती है और जस्टिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाए, लेकिन जेमी उसकी बातें नहीं सुनती है। अब अगली सुबह जेमी नोटिस करती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो अपना हाथ नमक वाले पानी में डालती है तो उसका हाथ वहीं पर मेल्ट हो जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए वो पानी में जंप लगा देती है जिससे कि बच्चा बच जाता है क्योंकि एक शिप उनकी बोट के पास आ रही थी। अब सीन यहीं पर कट होता है और 6 महीने के बाद में साउथ कोरिया में एक औरत एक मोती खरीदने आई हुई थी और वो मोती उसी आइलैंड से आया हुआ था, तभी उसी मोती को फाड़कर उसमें से वही पैरासाइट निकलता है और अब ये पैरासाइट सभी को इन्फेक्टेड करने वाला था। दोस्तों इस मूवी में मेसन नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि सुपर ह्यूमन बनाने के लिए पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट भी थे। सिर्फ जेमी के खून से ही उस पैरासाइट का एंटीडोट बनाया जा सकता था और इसीलिए घर का लालच देकर जेमी को उस आइलैंड पर वापस बुलाया गया था, लेकिन जेमी भी उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाती है और नमक का पानी यानी कि साल्ट वाटर ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे कि पैरासाइट को रोका जा सकता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर एक मोती के जरिए वो पैरासाइट दूसरे देश में आ गया था, मतलब कि इस पैरासाइट की वजह से अब पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।